नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। आप देख रहे हैं एन क्रिएशन। आज जो वीडियो है मैं बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले गूगल में सर्च कीजिए अप्लाई ऑनलाइन पैन कार्ड। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने सर्च किया अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन, उसके बाद अब इस साइट में जाइए tin.tinnsdf.com। उसमें जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर न्यू पैन, उसके बाद आप पूरा फॉर्म लेंगे रेंट टाइप न्यू पैन इंडियन सिटीजन, दिन कैटेगरी इंडिविजुअल, दिन टाइटल, टाइटल जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा सिटी है, मैं सिटी सिलेक्ट करता हूँ और सर नेम मेरा सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लिखिए, देन मिडिल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। तो ये आपका टोकन नंबर देख पा रहे हैं, ये टोकन नंबर है। और इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबमिट डायरेक्टली थ्रू EKYC एंड e-signing दिख रहा है, और फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, मतलब आप फिजिकली कोई कहाँ पे जाके सबमिट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं स्कैन करके। तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिए सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-signing। उसके बाद NSDL e-government पर क्लिक कीजिए लास्ट में। उसके बाद आपका आधार नंबर दीजिए, जैसे कि मेरा आधार नंबर मैं दे रहा हूँ। आधार नंबर देने के बाद पेज पर आधार नेम उसमें क्लिक कीजिए। सिलेक्ट योर जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर पे डू यू एवर एनी नो बाय अदर नेम नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फादर नेम, पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन योर पैन कार्ड, उसके बाद फादर नेम दीजिए। इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए उसके बाद एक दूसरा पेज खुलेगा, वहां पे प्लीज TK एप्लीकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो नो इनकम में क्लिक कीजिए, और कहीं बिजनेसमैन करते हैं तो बिजनेसमैन पे क्लिक कीजिए, और आप जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो नो इनकम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्लीज TK एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का एड्रेस दीजिए, नहीं तो आपका रेसिडेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और डिटेल्स मांग रहा है, कंट्री कोड, जैसे कि हमारा इंडिया है तो मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, और एरिया STI कोड। देखिए मेरा सबमिट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, EVO कोड देना पड़ेगा।
तो आप इंडिया सिटीजन है तो इंडिया पे सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं इंडिया से। देखिए यहाँ पर आपको नहला पैरा गाइडलाइंस कंप्लीट हो गया, नल डिटेल्स भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंटैक्ट एंड अदर डिटेल्स। अभी मैं कंटैक्ट एंड अदर डिटेल्स पर हूँ। उसके बाद आपको एओ कोड एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये पांचों पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर कंटैक्ट एंड अदर डिटेल्स को कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद एओ कोड। तो मैं बता देता हूँ कि आपका एरिया कोड, एओ कोड, ऑरेंज कोड, एओ नंबर आपको कैसे पाना है। सर्च कीजिए एओ कोड, एओ कोड फॉर पैन कार्ड। देख पा रहे हैं जैसे कि यदि मैं उड़ीसा से हूँ तो देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं उड़ीसा से तो हूँ तो सिलेक्ट करता हूँ एक सिटी। देखिए ये मेरा एरिया कोड एओ टाइप और रेंज नंबर मेरे को मिल गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, एरिया कोड डालता हूँ यहाँ पे, देखे C6 and 8। उसके बाद मैं इंडियन सिटीजन पे क्लिक करता हूँ और चूजर सिटी। उसके बाद सिटी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, आधार कार्ड सब जगह सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे कि देख पा रहे हैं आधार कार्ड में सब डेटा वाद वगैरह सब कुछ होता है, तो इसीलिए आप आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको प्लेस में सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं ये मैंने फोटो जैसे कि देख पा रहे हैं ये मैंने फोटो, अपना फोटो अपलोड कर लिया। उसके बाद आपको सिग्नेचर में अपलोड करना है, तो सिग्नेचर में क्लिक करके आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया। जैसे ही अपना सिग्नेचर अपलोड हो गया, उसके बाद आपको अपलोड सपोर्ट डॉक्यूमेंट में जाना है। सबमिट जाने के बाद आपको वहां पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दो पेमेंट दिखाई देगा, एक डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। और उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक कीजिए और देख पा रहे हैं 112.75 आपको चार्जेस लगेगा। उसके बाद पेमेंट मोड चार्जेस पे, उसके बाद नेट बैंकिंग, ये सब करके दिखा रहा है सब कुछ। उसके बाद आप नीचे टू पेमेंट में क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन आईडी और फी कितना है वो दिखाई देगा। और उसके बाद आप पे कंफर्म में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड टू कंफर्म पेमेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग IMPS किसी को भी एक को सिलेक्शन करके आपका प्रेयर कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट को कंफर्म करेंगे, तो आपको कुछ ही दिनों में आपका एड्रेस में आपका पैन कार्ड डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी मेरा प्रोसीजर फॉलो करके पैन कार्ड ऑर्डर किया है तो वो मेरे को कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह टेक्निकल वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।